सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाध साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, इस कथा का बड़ा महत्व होता है, जो मैं कथा सुनाऊंगा इसमें कथा को पूरा श्रवण करें और इसकी विधि को पूरा समझें, आपको जल्द ही पुत्र और धन की प्राप्ति होगी। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उन दिनों यह व्रत करके मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। इसमें मंगलवार को गौरी का पूजन किया जाता है, इसलिए यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में पियर में तथा अन्य 4 वर्षों में पति के गृह में यह व्रत किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो नवीन शुद्ध वस्त्र पहनकर रोली का तिलक कर पूर्व विमुख या उत्तर विमुख होकर पवित्र आसन पर बैठकर निम्न संकल्प करना चाहिए। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वर्धये श्री मंगला गौरी प्रतत् 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके माता के सामने वह जल छोड़ना चाहिए। एक शुद्ध एवं पवित्र आसन पाटा पर भगवती मंगला गौरी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें, फिर उनके सम्मुख आटे से बना एक बड़ा सा 16 मुख वाला 16 बत्तियों से युक्त दीपक ग्रत पूर्वक कर प्रज्वलित करना चाहिए, यानी इसमें 16 बत्तियों का दीपक बनाया जाता है। इसके बाद पवित्र आदि धारण करके गणेश आदि का आह्वान करते हुए पूजन करना चाहिए। श्री मंगला गौर्य नमः इस मंत्र से मंगल गौरी का शोषण उपचार पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 द्रुवादल, 16 धतूरे के पत्ते तथा 16 पान सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी चढ़ाए जाते हैं। मंगला गौरी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। कुकुमांगुरो लिप्तांग सर्वाभरण भूषितां नीलकंठा प्रियां गौरी वंदे अहम मंगलाहम, क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम के अंतर मंगला गौरी को विशेष अर्घ प्रदान करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा और नारियल रखकर तांबे के पात्र को दाहिने हाथ में लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करना चाहिए। पूजा संपूर्णतार्थ तो गंध पुष्प क्षते सह विशेषार्घ मया दत्तो मम सौभाग्य हेतवे या ओम मंगल गौर्याय नमः इस मंत्र से अर्ध दे कहकर के प्रणाम करें माता गौरी को। पूजन के अनंतर बांस के पात्र में सौभाग्य वृद्धि के लिए लड्डू फल वस्त्र के साथ ब्राह्मण को बयाना करना चाहिए। इसके बाद व्रती को अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें 16 लड्डुओं का बयाना देना चाहिए। पौराणिक कथा। कुंडन नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती सादी एवं पतिव्रता थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्रमालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करता था। सेठानी ने सोचा कि भिक्षुक को कुछ धन आदि दे दें, संभव है इसी से इसके पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार कर पति की संपत्ति से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छुपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। भिक्षुक अपिग्रह व्रती थे, उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठ सेठानी को संतानहीनता का श्राप दे डाला। यानी तो एक तो पहली संतान नहीं थी, ऊपर से उनको
कि या तो उन्होंने अच्छा था, उन्होंने यही सोचा था कि इस सोने से इस भिक्षु का ग्रस्त जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन उसका उल्टा ही प्रभाव हुआ। उन्होंने उनको श्राप दे दिया सेठ सेठानी को कि तुमको कभी संतान प्राप्ति ही नहीं होगी। फिर बहुत अनुय विनय करने से उन्होंने गौरी की कृपा से एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश ने 16वें वर्ष में सर्प दंश का श्राप दे दिया, यानी उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने खुश होकर के उनको मंगला गौरी व्रत बताया। मंगला गौरी व्रत के द्वारा माता गौरी ने उन्हें पुत्र दे दिया, लेकिन ऋषि के श्राप के द्वारा गणेश ने वह पुत्र 12 साल का दिया कि 12 साल के बाद में इसको सर्प डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती, यानी उस लड़के का विवाह ऐसी कन्या के साथ हुआ जो कन्या की मां मंगला गौरी व्रत किया करती थी। जो स्त्री मंगला गौरी व्रत करती हैं, उनके पुत्र और पुत्री की कभी कोई हानि नहीं होती, कोई परेशानी नहीं आती, माता गौरी सदा उनकी रक्षा करती हैं। उस सेठ के लड़के का विवाह ऐसी कन्या के साथ हो गया, अतः वह बालक शतायु हो गया। ना तो उसे सांप नहीं डसा और ना ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाहित को करना चाहिए। यानी वह 12 साल का हो गया, उसकी अल्प आयु जो थी, मृत्यु जो अकाल मृत्यु थी वो टल गई, उसकी दीर्घ आयु हो गई, यानी वह दीर्घायु हो गया। इस व्रत का इतना फल है, इसके करने से इंसान को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जिनकी संतान ना हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। उद्यापन विधि, 4 वर्ष श्रावण मास के 16 या 20 मंगलवार का व्रत करके करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यानी 4 वर्ष पर श्रावण मास के बीत जाएं, उसके बाद में आप गिन लें कि आपने कितने व्रत किए हैं। कम से कम 16 या 20 व्रत करने चाहिए, उसके बाद में उद्यापन किया जाता है, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है। व्रत करते हुए जब 5वां वर्ष हो तब श्रावण मास के मंगलवार में यथा विधि कलश की स्थापना करें एवं कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। तदंतर गणेश स्मरक पूर्वक श्री मंगल गौर्य नमः इस नाम मंत्र से गौरी की यथोपलब्ध उपचार पूजा कर 16 दीपों से आरती करें। दूसरे दिन यथासंभव हवन कराएं और 16 सहपत्नी ब्राह्मणों को पायस आदि का भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। यानी आप लगातार 16 या 20 व्रत करें। 16 या 20 व्रत करने के बाद में आप इसका उद्यापन जरूर करें, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत का महत्व तो नहीं होता, उसका फल नहीं मिल पाता। उद्यापन में आप ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम भी कर सकते हैं। उद्यापन में आप माता गौरी की स्थापना करें, हवन करें, हवन के बाद में 16 ब्राह्मणों को पत्नियों के साथ में भोजन कराएं, उनको द्रव्य दक्षिणा दें, उसके बाद में उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जब व्रत शुरू करें उस समय संकल्प करें जो मैंने आपको बताया था, और संकल्प के द्वारा इस व्रत को करें। ऐसा करने से शीघ्र से शीघ्र धन और पुत्र की प्राप्ति होती है, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है ये। तो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत बहुत ही अच्छा है, इसको सभी करें और इसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस मनोकामना से आप ये व्रत करेंगे वह मनोकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो जिस विधि से मैंने आपको व्रत बताया है उस विधि से आप व्रत को करें। मुझे उम्मीद है आपको ये व्रत समझ में आ गया होगा, कथा समझ में आ गई, विधि भी समझ में आ गई होगी। आप इसे करें, श्रावण के पहले मंगलवार से ही प्रारंभ कर दें। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।